जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद गुरुजी चैनल को और बेल आइकन दबाइए स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मान ज्ञात करना है, इसे सॉल्व करना है। तो जैसे कि -30 डिवाइड बाई 10, ठीक है, डिवाइड बाई 10 का मतलब -30 अपॉन में 10, ठीक है। 10 के टेबल में 30 कितने बार आता है, 3 बार में, इक्वल टू आंसर कितना आएगा, माइनस है तो -3 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी है कि 50 डिवाइड बाई -5, तो इसे लिख सकते हैं हम 50 डिवाइड बाई -5। 5 के टेबल में कितने बार आता है, 10 बार में, कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में, डिवाइड माइनस है -10 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही -36 डिवाइड बाई 9, -9, तो -36 डिवाइड बाई -9, माइनस से माइनस कटेगा, ठीक है। 9 के टेबल में 36 कितने बार आता है, 4 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4 बार, 4, ठीक है। ऐसे ही डी है, डी क्या है, -49 डिवाइड बाई 49, इसे हम लिख सकते हैं -49 डिवाइड बाई 49, कितने बार कटेगा, एक बार में, तो बराबर क्या आएगा, माइनस, ये माइनस का माइनस वैसे ही रहेगा और एक हो जाएगा हमारा क्या, ठीक है। अब डी के बाद ई देखते हैं, ई है 13 डिवाइड बाई -1 +1, -1 +1 तो क्या हो जाएगा, ये 13 पहले से सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड बाई -2 में से एक जब जाएगा तो क्या बचेगा, -1, ठीक है, तो जाएगा 13 डिवाइड बाई -1, तो जब एक कितने बार में कटेगा, 13 बार में, एक कटेगा 13 कितने बार में होता है, 13 बार में, तो क्या आएगा आंसर, -13 आ जाएगा हमारा आंसर। ई इक्वल है एफ, एफ में 0 डिवाइड बाई माइनस, तो 0 को हम जब डिवाइड करेंगे -12 से तो आंसर हमेशा क्या आएगा, जब कोई भी संख्या ऊपर होगा 0 होगी तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अब ऐसे जी का, जी है कि -31 डिवाइड बाई -30 +-1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -31 तो वैसे ही रहेगा, डिवाइड बाई माइनस ये है तो माइनस ये है, तो माइनस माइनस है तो आपस में जुड़ के कितने हो जाएंगे, -31, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, -31 डिवाइड बाई -31 कटेगा, कितना आएगा आंसर, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा आंसर 1, ठीक है। ऐसे एच है 36 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 3, 36 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 3, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे -36 डिवाइड बाई 12, ठीक है, डिवाइड बाई 3 वैसे ही रहेगा, तो कितने मानो कट जाएगा, 12 से 36 तो जाएगा -3 डिवाइड बाई 3, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3 डिवाइड बाई 3 कटेगा, आंसर आएगा -1, ठीक है। आगे क्वेश्चन कि -6 -6 +5, तो 6 और 5, तो 6 में से जब 5 जाएगा माइनस का कितना बचेगा, 1, ठीक है, डिवाइड बाई 2 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -1, ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं हम क्या, -1 डिवाइड बाई -1, माइनस से माइनस कटेगा, 1 से जब 1 डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, 1 आएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो में है, ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए डिवाइड बाई बी प्लस सी इक्वल टू नहीं, बराबर नहीं है, ए डिवाइड बाई बी प्लस ए डिवाइड बाई सी को सत्यापित कीजिए। तो हमें ये सब जितनी वैल्यू रखना है इन सब में, सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, ए डिवाइड बाई बी प्लस सी बराबर नहीं है ए डिवाइड बाई बी प्लस ए डिवाइड बाई सी, ठीक है, नॉट इज़ इक्वल टू बराबर नहीं है। ए का वैल्यू कितना है, 12 डिवाइड बाई, बी की वैल्यू कितनी है, -4, ठीक है, और सी की वैल्यू है +2, ठीक है, डिवाइड इक्वल टू नहीं है, बराबर नहीं है। ए का वैल्यू कितना है, 12 डिवाइड, बी की वैल्यू कितनी है, -4,
प्लस ए की वैल्यू कितनी है 12 डिवाइड सी की वैल्यू है 2। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व करना है। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 2, तो 12 डिवाइड बाई 2 बराबर नहीं है। अब 12 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस 4 3 12, तो है ना कितना हो जाएगा ये 4 3 12, इसमें लिख सकते हैं 12 डिवाइड बाई माइनस 4 प्लस 12 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये 2 से 2 6 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये 12 डिवाइड बाई कितना, 12 डिवाइड बाई माइनस 12 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस है ना माइनस 2 बराबर नहीं है, यहाँ पे कितना आएगा माइनस 3 प्लस 6, 6 में से 3 का यहाँ पे कितने बार में जाएगा, 6 बार में, 6 बराबर नहीं है, 6 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के रूट। ठीक है, अगला क्वेश्चन उसी का है, ए बराबर माइनस 10 है, बी बराबर 1 है, सी बराबर 1 है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस 10 डिवाइड बाई बी, बी की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, नॉट इज इक्वल टू ए की वैल्यू है माइनस 10 डिवाइड बाई बी की वैल्यू 1 है, प्लस ए की वैल्यू 10 माइनस 10 डिवाइड बाई सी की वैल्यू 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, एक और एक कितना होता है 2, माइनस 10 डिवाइड बाई 2 नॉट इज इक्वल टू 10 को जब हम 10 को 1 से डिवाइड करेंगे माइनस 10 अपॉन में 1 प्लस माइनस 10 अपॉन में 1। ठीक है, तो ये आएगा माइनस 10 डिवाइड बाई 2 बराबर इन सब की वैल्यू इतनी रहेगी 1 रहेगा, माइनस 10 और प्लस माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 10। ठीक है, यहाँ पे आएगा माइनस 5 आएगा आंसर, ये कटेगा तो, और ये जब 10 में 10 जाएगा तो आएगा 0, 10 माइनस माइनस 10 से 10 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 10 और माइनस 10 20 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रूट। ठीक है।